नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मथुरा न्यायालय के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का जो फैसला आया है उसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने किया हर्ष व्यक्त। इस दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पदाधिकारियों ने वार्ता की। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित कन्हैयालाल ब्रजवासी, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के जिलाध्यक्ष सुजाता सिंह, संगीता सरस्वत, विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा और कन्हैयालाल ब्रजवासी ने कहा कि हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, फैसला श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में आएगा। देखिए कृष्णा गुप्ता के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि से। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह का जिसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लंबे अरसे से नग्न पैर हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी। और ज्ञानवापी पे जो फैसला आया है, पूजा करने का अधिकार दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, उसको लेकर वार्ता कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कन्हैयालाल ब्रजवासी और दिनेश शर्मा सहित विभिन्न न्यास के पदाधिकारी। क्या कहते हो शर्मा जी? देखिए, जो मुगल शासकों ने हमारे अयोध्या में, मथुरा में, काशी में मंदिरों को तोड़कर जो अवैध कब्जा किया था, तो हमारे अयोध्या तो मुक्त हो चुकी है। अब काशी में भी हमें पूजा का अधिकार मिल गया है। ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। अब आने वाले समय में मथुरा में भी सर्वे होगा तो यहाँ भी साख मिलेंगे। मुगल शासकों ने जो मंदिरों पर कब्जे किए थे तो यहाँ पर जो मस्जिदें बनाई, उन मस्जिदों के नीचे हमारे मंदिरों के अवशेष दबे हुए हैं। हमारे मंदिरों के जो प्राचीन शाखें, प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, वो सब दबी हुई है। तो माननीय न्यायालय द्वारा सर्वे का ऑर्डर दिया गया काशी में। काशी में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने सर्वे की, जांच की, तो पता लगा कि वहाँ पर हिंदू मंदिर के प्राचीन साक्ष्य मिले। उसी आधार पर न्यायालय ने पूजा का अधिकार दे दिया है। तो ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। आने वाले समय में अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। और कन्हैयालाल ब्रजवासी हमारे साथ हैं, क्या चल रहा है जन्म ज्ञान जाती के माननीय न्यायालय के फैसले को लेकर, कैसी सुगमात है? पूरा देश खुश है। अच्छा, समस्त सनातनी खुश है, समस्त हिंदू खुश है और भगवान भी खुश है। देखो आज तो बरसात हुई है, इतनी जोर से बरसात हुई है और पूरी ब्रजभूमि के लोग खुश। कल जो है जैसे ही फैसला आया था माननीय न्यायालय ने दिया था, तुरंत लड्डू बांट करके समस्त ब्रजवासियों ने जाहिर किया और हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के कार्यकर्ताओं में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। एकदम सब खुश हैं और ये चाहते हैं जल्द से जल्द, जैसे ज्ञानवापी पर सर्वे का ऑर्डर दिया था और सर्वे कराया गया एसआई के द्वारा और फिर सर्वे रिपोर्ट को माननीय न्यायालय में जमा करा करके उस पर फैसला दिया। एक जो फैसला सुनाया गया अभी, जो सर्वे की जो रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पूजा अर्चना का जो अधिकार दिया वो बहुत ही सराहनीय कार्य जो है माननीय न्यायालय ने किया। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का भी ये सर्वे का ऑर्डर, वो तो सब जारी किया हुआ है लेकिन सर्वे नियुक्त नहीं किया जा रहा है, सर्वे नियुक्त यहाँ पर जारी हो ताकि यहाँ पर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे सनातन धर्म के जो मंदिर होते हैं, जो शैली में बने होते हैं, जो यहाँ पर जो चिन्ह होते अवशेष में जो उसमें सब मौजूद हैं, यहाँ का सर्वे होगा तो यहाँ समस्त सनातनियों को इंतजार है माननीय न्यायालय के आदेश का कि वो कब सर्वे नियुक्त करेंगे। जैसे ही सर्वे नियुक्त कर देंगे यहाँ सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं भव्य मैं प्रदेश मंत्री डॉक्टर हरिचंद श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ज्ञानवापी मंदिर में अभी सर्वे हुआ है तो उसमें जो मूर्ति, फूल, चित्रकारी अंदर जो है कमरों में भरी हुई और उन पे जो है लीपा पोती की गई है मुगलों के माध्यम से या जो भी विपक्षी पार्टी है उनके माध्यम से ही ये दिखाया, प्रदर्शित किया गया है कि यहाँ कुछ नहीं था। दूसरा ये है कि जब ये साबित हो रहा है स्पष्टता में कि ये हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर के प्रत्यक्ष जो साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं और सभी को, तो मैं समझता हूँ माननीय उच्च न्यायालय को भी विशेष रूप से इस ओर निर्णय किया। वो तो पैसे तो जो है जनता में निर्णय हो चुका है लेकिन अपने जो हमारे धर्म कर्म के अनुसार और न्यायालय का मान बढ़ाते हुए हम ये चाहते हैं कि वो
इस ओर विशेष ध्यान दें और उसी तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे करा करके यहाँ पे भी बहुत साक्ष्य जो मंदिर के नीचे दबे हुए हैं या उसमें उपस्थित हैं तो उनका सर्वे जल्द से जल्द करा करके ये जो है निर्णय लिया जाए कि भाई ये हिंदू की जन्मभूमि की आपकी आस्था और उस पर भव्य मंदिर का निर्माण चलेगा। और जो है आपने जाना कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से हम आपको दिखा रहे थे ये कवरेज, आज विशेष वार्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा और हमारे जो है कन्हैया लाल ब्रजवासी न्यास के पदाधिकारियों से वार्ता की गई ज्ञान वापी का जो फैसला आया है उसको लेकर। तो इनका ये कहना था कि जो साक्ष्य दबे हैं उन पर हमारा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ज्ञान वापी में हमारी जीत हो गई है, पूजा का अधिकार दिया है। तो वहीं जो है आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह की जो हमने पहल की है, जंग छेड़ी है, उसको लेकर हमारी जीत होगी, उनको पूरा पूरा भरोसा है। तो वहीं जो है दिनेश शर्मा यहाँ पर जब जन्मभूमि और मस्जिद की ये जंग छिड़ी मथुरा में, तो तभी से जो है हम उनको आए दिन मथुरा के जो है जिला सत्र न्यायालय परिसर हो या वो हो जन्मभूमि मंदिर चहूँ और उनको नग्न पैर देखते हैं ग्रीष्मकालीन समय से, अब शीतकालीन का समय है इस पर भी। और दिनेश शर्मा जो जद्दोजहद कर रहे हैं जन्मभूमि शाही मस्जिद के लिए, उसको लेकर अब देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या ये क्या फैसला आता है। उनका ये कहना है माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हम क्या कहें, यही कह सकते हैं कि जर्रा उठा जमीन से फलक झपकते ही वो सूरज बन गया। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।